आपने पुलिस वाले कंधे पर एक रस्सी जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उस रस्सी का क्या काम है? दरअसल इस रस्सी से एक सीटी जुड़ा होता है जो पुलिस वाले के जेब में होता है, लेकिन पुलिस वालों को सीटी की क्या जरूरत? दरअसल इस सीटी की जरूरत आपातकालीन समय में गाड़ियों को रोकने या मुसीबत के समय में एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए किया जाता है। वैसे कभी आपने ट्रैफिक पुलिस को छोड़कर किसी और पुलिस वाले को सीटी बजाते हुए देखा है? क्या आपको पता है ताजमहल के ऊपर से एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ सकता? इसका मेन रीजन है ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन में शामिल किया गया है, यानी उसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ सकता है। भारत सरकार ने साल 2006 में यह अधिनियम पास किया था। नो फ्लाइंग जोन का मतलब किसी भी देश का ऐसा क्षेत्र जो काफी इम्पोर्टेंट हो उसकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उसे नो फ्लाइंग जोन में शामिल किया जाता है। भारत में ताजमहल के अलावा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और प्रधानमंत्री निवास स्थान को भी नो फ्लाइंग जोन में शामिल किया गया है। आप जब भी चिप्स खरीदते होंगे तो ये जरूर सोचते होंगे सालों ने चूना लगा दी, इसमें चिप्स से ज्यादा तो हवा भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें हवा क्यों भरा जाता है? चिप्स के पैकेट में हवा भरने के कई कारण है। अगर चिप्स के पैकेट में हवा नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चिप्स टूट जाएंगे तो उन्हें खाएगा कौन? और चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन गैस को निकाल कर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ही निष्क्रिय गैस होता है जिसे चिप्स खराब नहीं होते हैं। आईपीएल में कितनी कमाई है और ऐसा क्या है कि शाहरुख खान के पास आईपीएल टीम की ऑनरशिप है, प्रीति जेंटा के पास है, विजय माल्या के पास थी और मुकेश अंबानी के पास भी है। 5 तरह की कमाई होती है आईपीएल टीम से। पहला, मर्चेंडाइजिंग। टीम के नाम की जर्सी, टी शर्ट, कैप्स को हर साल बेचकर हर टीम को 10 से 15 करोड़ की कमाई होती है। स्टेडियम टिकट को बेचकर हर टीम को हर साल 20 से 25 करोड़ की कमाई होती है। तीसरी बड़ी कमाई टीम स्पॉन्सरशिप से। जिस ब्रांड का जितना बड़ा लोगो प्लेयर के टी शर्ट पर लगेगा उतनी ज्यादा कमाई होगी। ये कमाई हर टीम को हर साल लगभग 50 करोड़ हो जाती है। आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई मैच के राइट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीवी चैनल को बेचकर मिलता है। ये कमाई अरबों में होती है। आपने कभी ना कभी अपने कार या बाइक को धक्का देकर जरूर स्टार्ट किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार एक ट्रेन को धक्का देकर स्टार्ट किया गया था। इस ट्रेन का नाम नैरो गज लोकोमोटिव कैलाश सावलगढ़ था। ये घटना 2015 की है, आप इसके बारे में आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। ये घटना पूरी दुनिया में पहली बार हुआ था जब किसी ट्रेन को धक्का मारकर स्टार्ट किया गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिन भर में कितना बार चलान कट सकता है? मैं आपको बता दूं, दिन भर में मात्र एक बार ही चलान कट सकता है। मान लीजिए 11 बजे आपका हेलमेट ना होने के कारण चलान कटा, तो उस दिन रात 12 बजे तक आप बिना किसी डॉक्यूमेंट या हेलमेट के किसी भी बाइक या कार को चला सकते हैं, आपका चलान नहीं कटेगा। क्या आपको पता है एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर है? एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है, यानी वह वकालतनामा के अनुसार किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। लेकिन लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, यानी वह किसी भी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है जब तक उसे BCI द्वारा लाइसेंस प्राप्त न हो। सबसे पहले उस व्यक्ति को BCI का एग्जाम पास कर लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर वह किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है, यानी वह व्यक्ति लॉयर से एडवोकेट बन जाएगा। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी? अगर नहीं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। बहुत ऐसी फेमस कंपनियां हैं जिसका नाम तो कुछ और होता है लेकिन हम उसे कुछ और नाम से पढ़ते हैं। जैसे इस कंपनी को देखो, इसे हम BMW पढ़ते हैं लेकिन इसका नाम BMW है। अब इस कंपनी को देखो, इसे हम रेनॉल्ट पढ़ते हैं लेकिन इसका नाम रिनो है। अब इस कार कंपनी के नाम को पढ़ो, ये लेम्बोर्गिनी और बुगाटी कार कंपनी के मालिक है। इसे आप वॉक्सवैगन पढ़ रहे हो लेकिन इसका नाम फॉक्सवैगन है। आपने मॉल में इस कंपनी को जरूर देखा होगा लेकिन इसका रियल नेम क्या है? आप इसे A1 पढ़ते हो लेकिन इसका नाम A1 है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है हम समुद्र के सबसे नीचे क्यों नहीं जा सकते? इसका मेन रीजन है प्रेशर, यानी समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट की तरफ जाने पर हमें 1 इंच पर करीब 8 टन का प्रेशर झेलना पड़ेगा, जिससे हमारी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और हमारी मौत भी हो सकती है। समुद्र की इतनी गहराई तक सनलाइट भी नहीं पहुंच पाता है और आर्टिफिशियल लाइट का वहां पर कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखता है। क्या आप जानते हैं इंटरनेट की क्या पावर है? यूट्यूब अपना खुद का कॉन्टेंट नहीं डालता, वो औरों के कॉन्टेंट से पैसा कमाता है। ओयो के पास अपना खुद का कोई होटल नहीं है, वो औरों के होटल से पैसा कमाता है।
ओला के पास खुद की कोई कार नहीं है, वो औरों के कार से पैसा कमाता है। गूगल अपना खुद का कोई आर्टिकल पोस्ट नहीं करता, वो दूसरे के आर्टिकल से पैसा कमाता है। अमेजोन के पास खुद का कोई स्टोर नहीं है, वो दूसरे के सामान को बेचकर पैसा कमाता है। जोमेटो के पास खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो दूसरे के फास्ट फूड को बेचकर पैसा कमाता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट जरूर। शेयर मार्केट में नुकसान से बचने के लिए एक बढ़िया सा तरीका है स्टॉप लेस ऑर्डर, यानी अगर आप कोई 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं और उसी समय 5 रुपए का स्टॉप लेस ऑर्डर लगा देते हैं तो आपका शेयर 100 रुपए से 200, 200 से 400 कुछ भी हो सकता है। मगर शेयर की प्राइस जैसे ही 95 रुपए से कम होगी, आपका कंप्यूटर आपसे बिना पूछे उस शेयर को किसी और को बेच देगा, यानी प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है लेकिन नुकसान 5 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। सभी जीवों में लाइफ की सबसे बेसिक चीज ब्लड पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, जैसे स्टार फिश और जेली फिश, क्योंकि इन सभी जीवों में सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं होता है। आपको पता है एक बार ईरान के सोल्जर्स ने 14 गिलहरियों को जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन गिलहरियों में GPS लगा था। ये घटना 2007 की है, आप इसके बारे में आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। गजब बात है, आजकल एनिमल्स एजेंट का भी यूज हो रहा है। भाई मैं प्रो इंस्टाग्राम यूजर तो नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी मुझे एक बात पता चला है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पुराने से पुराने स्टोरी चाहिए इंस्टाग्राम के, वो सभी मिल जाएंगे। आप अपने प्रोफाइल पर जाइए, 3 लाइन पर क्लिक कीजिए, सेटिंग के नीचे आर्काइव पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपके सारे स्टोरीज मिल जाएंगे जो आपने पहले लगाए थे साल भर या 6 महीने पहले। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी? अगर नहीं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट जरूर।